हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है मेथी छोले। वैसे तो हम नॉर्मल छोले बनाते ही हैं, आज हम मेथी साग से छोले बनाएंगे। ये खाने में भी थोड़ा सा अलग और टेस्टी होता है। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें लगेगा उबले हुए छोले 2 कप, मेथी साग कटे हुए 1 कप, प्याज कटे हुए 1 कप, टमाटर की प्यूरी 1 कप, अदरक लहसुन कसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लहसुन कटा हुआ 1 छोटा चम्मच, धनिया पत्ती कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा के दाने 1 छोटी चम्मच, तेज पत्ता 1, तेल 4 बड़े चम्मच। सबसे पहले धुले और साफ मेथी के पत्तों को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं। पैन गरम कर लेंगे और उसमें तेल डालेंगे 4 बड़े चम्मच। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। जीरा 1 छोटी चम्मच, तेज पत्ता 1। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। कटा हुआ लहसुन 1 छोटी चम्मच, लहसुन को सुनहरा होने तक भून लेंगे। लहसुन सुनहरा हो गया है, अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे 1 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे सुनहरा या गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इसमें किसा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरह से मिला लेंगे और बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि उसमें से अदरक और लहसुन की खुशबू ना आए। अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें टमाटर की प्योरी डालेंगे 1 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1-2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला भुन गया है, अब इसमें कटा हुआ मेथी साग डालेंगे 1 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे 2 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे 1-2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब उबले हुए छोले से जो बचा हुआ पानी था वो पानी इसमें डाल देंगे करीब 1 कप। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ढक कर 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, धनिया पत्ती कटे हुए 2 बड़े चम्मच या आवश्यकता अनुसार। अच्छी तरह से मिला लेंगे। मेथी छोले अच्छी तरह से बन गया है। बनने के बाद तेज पत्ता आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से खाने में तेज पत्ते का टेस्ट भी आ जाता है और तेज पत्ता खाने में भी नहीं आता। तो इस तरह से मेथी छोले पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसे गरम गरम सर्व कर लेते हैं। मेथी साग के साथ ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अलग भी लगते हैं। ये मेथी छोले आप पूरी, पराठा, नान, चावल सभी के साथ खा सकते हैं। नॉर्मल छोले तो आप घर पर बनाते ही हैं, इस बार मेथी साग के साथ छोले बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर वीडियो में ही हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अलग रेसिपी के साथ। थैंक यू।